इन इंडिया दिस मेथड इज यूज टू टीच इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के रूप में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हम आपको बताएंगे कि क्यों इस मेथड का नाम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पड़ा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, चार ऑप्शन दे देगा, अब बताएगा बताइए कौन सा लॉजिक सही है इसके पीछे। तो देखिए क्यों कहते हैं इसको हम, इस मेथड में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के ग्रामर रूल जो है वो मदर टंग की ग्रामर की मदद से सिखाए जाते हैं, और दूसरे तरीके से हम ऐसे समझेंगे कि जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसकी जो ग्रामर रूल्स हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन करके बताए जाते हैं, जिससे कि बच्चे जो है आसानी से अपनी मातृभाषा में दूसरी भाषा के नियमों को समझ पाए। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आपने देखा होगा आपके ही ग्रामर टीचर जो इंग्लिश टीचर होगा, जब आपको पहली बार इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ाए गए होंगे, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म करना या ट्रांसलेशन बताया गया होगा, जैसे सीधा सा अगर एक एग्जांपल आपको दिया गया होगा कि भाई आपको क्या करना है, जैसे एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है आपको, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना, हिंदी से इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। इंग्लिश सिखाने का तरीका यह है कि पहले आपको एक हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे मोहन खाना खा रहा है, ठीक है। अब आपसे कहा गया होगा, कहा जाता होगा, इस तरह से जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करते हो कि मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज प्लस ईटिंग फूड, ठीक है, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ईटिंग जो है वर्ब हो जाएगी मेन वर्ब, प्लस फूड जो हो जाएगा, यानी मोहन इज ईटिंग फूड, फूड हो जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या करा पहले कि पहले एक सेंटेंस जो है हिंदी में मातृभाषा में बताया गया, ठीक है, फिर उसमें से ढूंढा गया कि मोहन क्या है, ठीक है, करता है, फिर वो एक सहायक क्रिया है, फिर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और फिर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, और उसको फिर इंग्लिश में मैं इसका एक एग्जांपल भी देके बताया, फिर उसको हम इंग्लिश में समझाते हैं कि भाई देखो हिंदी में ये था, अब इंग्लिश में जो इसका रूल बनेगा ट्रांसलेशन का वो फॉर्मूला ये बनेगा, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना है तो पहले आप सब्जेक्ट लोगे प्लस, फिर हेल्पिंग वर्ब लोगे प्लस, फिर लोगे मेन वर्ब प्लस, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला बना दिया, यानी पहले शुरुआत करी हमने हिंदी के सेंटेंस से, उसकी ग्रामर को पकड़ा, कर्ता क्रिया कर्म पकड़ा, और उसके हेल्प से फिर हमने इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ट्रांसलेशन करके उनका एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। फॉर्मूला ही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट रखो प्लस हेल्पिंग वर्ब रखो प्लस मेन वर्ब रखो प्लस ऑब्जेक्ट रखो, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर आएगा, ठीक है, ये रख दो। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसकी ग्रामर के रूल्स को हिंदी में समझाया जाता है, हिंदी की ग्रामर के उदाहरण देकर समझाया जाता है, इसलिए एक ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। एक लॉजिक और इसके पीछे जो है वो क्या है वो हम देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या कहता है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है मैंने कि भाई जो मातृभाषा में एक जैसे दे रखा है पवन दूध पीता है, तो हमने पहले बताएंगे भी पवन क्या होता है, कर्ता होता है क्योंकि ये पिएगा, ठीक है, दूध यानी कर्म है, और पीता है क्रिया है, और है सहायक क्रिया है। अब इसको हमने हिंदी में बता दिया कि भाई ये नियम हिंदी में, अब इंग्लिश में अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या मेन वर्ब छुड़ गया है, यहाँ मेन वर्ब आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने मातृभाषा से सेकंड लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज के नियम को हमने पढ़ा दिया। तो ये होता है ग्रामर ट्रांसलेशन में, पूरी ग्रामर ट्रांसलेशन में यही आपने टेंस सेंटेंस सीखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट पास्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो सारी पूरी ग्रामर आपने ऐसे ही पढ़ी होगी, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का घाल मेल करके जो इंग्लिश सिखाई जाती है, भाषा जब सिखाई जाती है बच्चों को, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहने का, वो ये है कि मदर टंग तथा ग्रामर की मदद से, एक तो मदर टंग की मदद से जैसे आप देख रहे हैं ऊपर हमने एग्जांपल दिए, और ग्रामर्स के जो रूल्स हैं ये फॉर्मूले हैं, जैसे अभी हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ग्रामर की मदद से वर्ड टू वर्ड यानी एक वर्ड का मीनिंग भी हिंदी में बताया जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है वर्ड टू वर्ड। जैसे अगर आपसे कहा जाएगा भाई ही इज गोइंग टू स्कूल, ही माने वह, इज मीन्स है, गोइंग माने जा रहा, टू स्कूल स्कूल को, तो वह स्कूल को जा रहा है, तो वर्ड टू वर्ड हम हिंदी में कन्वर्ट करके समझा रहे हैं। और हम ये समझा क्या रहे हैं, हम इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को, सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, एक नई भाषा सिखा रहे हैं अपनी मातृभाषा की हेल्प से। तो पूरा सार यही है कि अपनी मातृभाषा के साथ जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो ये मेथड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नेम द मेथड इन विच सेकेंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज इज
टोट विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, यानी मातृभाषा से दूसरी भाषा सिखाने का मेथड कौन सा कहलाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा इंग्लिश टीचिंग का मेथड है जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करा जाता है, यानी एक एक शब्द का अर्थ बनाया जाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन एक और आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है इंग्लिश टीचिंग का जिसमें ग्रामर ही मुख्य जो है आधार होता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, क्योंकि इसमें दो ही चीज है, मातृभाषा का इस्तेमाल और ग्रामर का इस्तेमाल। ग्रामर भी कैसे सिखाई जाती है, ठीक है, निगमन विधि से, निगमन मतलब ठीक है डिडक्टिव मेथड से, यानी पहले आपको एक फॉर्मूला बता देंगे। फॉर्मूला देखिए, जैसे बताया ना आपको फॉर्मूला कि भाई फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब छोड़ रखा है इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बता दिया, अब वो कहेगा भाई इसमें कर्ता रखते चले जाओ, इसमें क्रिया उसके हिसाब से रखते चलो कि सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, ही है तो इज आएगा, दे है तो आर आएगा, ठीक है, और उस हिसाब से आप कर्म अलग अलग रखते जाओगे तो नए नए सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो डिडक्टिव मेथड हुआ, यानी निगमन तरीका हुआ, निगमन विधि हुई कि पहले नियम बता दिया, उसके बाद बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल उनको ट्रांसलेट करके बता दिए कि इस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस बन सकते हैं। तो पूरा खेल जो हो रहा है वो मदर टंग का और ग्रामर का, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का हो रहा है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जब होगा, यानी एक शब्द का भी मीनिंग बताएंगे दूसरे शब्द का मीनिंग बताएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वोकेबलरी बढ़ जाएगी, यानी इस मेथड में वोकेबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले होता है और बच्चा वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, यानी वर्ड मीनिंग बच्चे को लेसन स्टार्ट होने से पहले ही उस पूरे लेसन के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश और फिर उनकी हिंदी रटा दी जाती है कि भैया अब पढ़ो अंदर जाके और उनका अर्थ निकालते चले जाओ और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये कहानी हमने भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वही है जो आपने पढ़ा है, जिस मेथड से आपने इंग्लिश सीखी है वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस मेथड में वर्ड फ्रेसेस तथा सेंटेंसेस को मातृभाषा में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक पार्ट आपको अगर पढ़ने को दे दिया, आप 12th क्लास में है और इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, और एक चैप्टर आ गया है, कोई पार्ट आ गया, इंग्लिश का लेसन आ गया, तो टीचर कैसे समझाती है? ऐसा नहीं कि भाई आपने पढ़ लिया, पूरी इंग्लिश में पढ़ लिया, अब बताओ क्या थीम थी, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। तो टीचर क्या करेगा, टीचर क्या पहले हाँ भाई तुम पढ़ो और इस उंगली रख रख के पढ़ो, तो एक सेंटेंस इंग्लिश का पड़ेगा, ठीक है, फिर पूछेगी टीचर हाँ बताओ इसका मतलब क्या हुआ, फिर दूसरी। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरे इंग्लिश के चैप्टर को हिंदी में कन्वर्ट करके समझाया जाता है, बुझाया जाता है, रटाया जाता है, फिर उनके क्वेश्चन आंसर भी इस तरह से लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, एक्सप्लेन करे जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर या लेसन की शुरुआत में ही बच्चों को उस पार्ट में आए हुए कठिन वर्ड के मीनिंग हिंदी में रटाए जाते हैं। तो इस तरह का मेथड कौन सा मेथड होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन विच मेथड वर्ड मीनिंग्स आर टॉट बिफोर द लेसन, बिफोर द टीचिंग ऑफ द लेसन, मेन लेसन, ठीक है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, हमें ये हमारा मुख्य काम है, ठीक है। तो ऑप्शन जब आएंगे आप जरूर टिक करोगे और आगे बढ़ते हैं, और भी बेहतरीन तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो बड़ी मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए मेन चीज़ तो मैं सारी आपको सार जब फ्लो में आ गया तो बोली डाला मैंने, सारी चीज़ें बता दी, लेकिन फिर भी हमें ये इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं ये ऑप्शंस में दिखेंगे, यानी जो लैंग्वेज आपको दिखी हुई है यही लैंग्वेज आपको ऑप्शंस के रूप में ऑप्शंस बन के आएंगे, तो आपकी इनसे भी जान पहचान होना, आपको इनको भी देखने की आदत पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप ऑप्शंस में इनको देखोगे तो आप पहचान लोगे, इसलिए इंग्लिश में भी इन चीज़ों को देखना है। तो हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड काम करता है। तो ये भारी भरकम सिद्धांत और ये प्रिंसिपल्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो हमने अभी आपको बताया है वही सब है। क्या सब है, देखिए, अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें सिद्धांत ये कहता है, दो सिद्धांतों पर है कि भाई अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज को, किसी दूसरी भाषा को, विदेशी भाषा को सिखाना है तो इसमें ट्रांसलेशन का, ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब समझे हिंदी टू इंग्लिश या किसी दूसरी लैंग्वेज जो हम सीखने जा रहे हैं उसको अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करके सिखाने का कंसेप्ट बहुत मजबूत होता है और बहुत आसान होता है ये तरीका किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का। तो पहला सिद्धांत यह है कि ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि दो प्रिंसिपल्स हैं, तो पहला ये हो गया, दूसरा है ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। तो जब भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो ग्रामर होती है, यानी ग्रामर जो है
वो सेकंड लैंग्वेज की, टारगेट लैंग्वेज की या फॉरेन लैंग्वेज की जो सोल होती है, आत्मा होती है, ठीक है। तो एक तो आपकी मातृभाषा ट्रांसलेशन यानी, और दूसरा ग्रामर, दो सिद्धांतों पर ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड काम करता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को शॉर्ट में GTM भी कह देते हैं, GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। अब देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन इस पे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए प्रिंसिपल्स में से कैसे आया था, इन विच मेथड ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। इन विच टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, तो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ठीक है। तो हमें पता है कौन सा आंसर होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो कंसेप्ट है, वो कौन से टीचिंग मेथड का पार्ट है, तो चार ऑप्शन होंगे, आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, उस पर टिक करोगे। तो मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़नी है हमें, साथ साथ थ्योरी के ये भी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अचानक ही। तो करेक्टरिस्टिक देखिए इसकी क्या व्यवहार है, करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, ठीक है। तो इस मेथड में जो अगर क्वेश्चन आएगा, इन विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग मेथड वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड जो है यूनिट ऑफ टीचिंग मेथड, यूनिट ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। तो वर्ड तो खास बात ही है। अब वर्ड टू वर्ड, इन विच मेथड ट्रांसलेशन इज डन फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, ठीक है, वर्ड टू वर्ड कौन से मेथड में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, इन विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग इज डन, तो कौन सा मेथड है जिसमें एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग का होता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो आंसर कर देंगे, ठीक है। लिटिल यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, इसका मतलब बहुत कम इस्तेमाल होता है टारगेट लैंग्वेज का जो हम सीखना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया अगर हम, जैसे आपने देखा 12th क्लास में थे आप, तो आपको इंग्लिश सिखाई जा रही थी, तो इंग्लिश से ज्यादा तो हिंदी आपको बताई जाती है उसकी, हिंदी, तो मिनिमम यूज होता है टारगेट लैंग्वेज का, और टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए ही टारगेट लैंग्वेज का सबसे कम इस्तेमाल होता है, यानी जो आप सिखा रहे हो उसका इस्तेमाल ही सबसे कम कर रहे हो, तो सीखोगे कैसे, तो एक तरह से ये करेक्टरिस्टिक भी और डिसएडवांटेज में भी आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन आएगा, इन विच मेथड लिटिल यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज डन, तो ग्रामर ट्रांसलेशन में तो क्वेश्चन आएगा, मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इन विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग और राइटिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कौन से मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। और इस मेथड की खास बात यह है कि इसमें एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इसी पे ध्यान दिया जाता है, वोकेबलरी पे, ग्रामर पे, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब आप ग्रामर जो है और वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, रूल्स आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, अब इस मेथड का जो हमने एक चीज बताई थी कि किस तरीके से ग्रामर सिखाई जाती है, तो डिडक्टिवली सिखाई जाती है, यानी निगमन विधि से सिखाई जाती है, और डिडक्टिवली का मतलब होता है कि पहले नियम बता दिए जाते हैं, उनके बाद बहुत सारे उदाहरण देके उनको, ठीक है, संतुष्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला बता दिया जाता है पहले, ठीक है, जो जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ऐसे ही हमने आपने देखा होगा जब आप, अगर आप हिंदी बेल्ट के किसी स्टेट से हैं और आपको इंग्लिश जो है 6th क्लास से स्टार्ट करी गई होगी, तो आते आते 10th क्लास तक आपको टेंस सिखाए गए होंगे, और टेंस भी कैसे बनाना सिखाया जाता है कि भाई हिंदी है और हिंदी को इंग्लिश में बनाना है, उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा आपको कि भैया पहले सब्जेक्ट, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, ये समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये निगमन विधि के द्वारा ही बताए, नियम बताएंगे और फिर बहुत बहुत सारे एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, इन विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग डिडक्टिव मेथड इज यूज्ड, ठीक है, तो ये कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल, और जो किताब होती है इंग्लिश की किताब जो होती है, टेक्स्ट बुक होती है, ये नोटबुक जो होती है, टेक्स्ट बुक होती है नोटबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बुक में से आप रीडिंग करते हो और टेक्स्ट बुक में आप जो है उन बुक्स के हेल्प से ग्रामर ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर लिखते हो, तो ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है टेक्स्ट बुक का होता है, ठीक है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड, और इसमें रट्टा लगवाया जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, समझ गए, रट्टा लगवाया जाता है ग्रामर का, आपको भी लगवाया गया होगा, ठीक है, आप MP UP राजस्थान, ठीक है, हिंदी बैट वाले स्टेट से हैं और आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इस तरीके से ही इंग्लिश पढ़ाई गई होगी। रूल्स, और ठीक है, सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर, और ग्रामर की एक बुक लगा दी जाती है, न्यू लाइट न्यू स्टाइल, आपने पढ़ा होगा कि भैया ये वाली किताब खरीद लेना इंग्लिश के लिए, इसमें सब है ग्रामर, ठीक है, तो सेपरेट बुक का इस्तेमाल होता है। प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, इन विच मेथड नोन टू अननोन मैक्सिम इज यूज्ड,
ठीक है। तो नोन टू अननोन यानी ज्ञात से, नोन मतलब ज्ञात और अननोन यानी अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। प्रिंसिपल जो है ये किस मेथड में इस्तेमाल करा जाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में याद किया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। अब ये इसको समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा क्या है। ज्ञात से अज्ञात का मतलब हमें ज्ञात भाषा थी कौन सी, मातृभाषा, और मातृभाषा जो हमें ज्ञात थी उससे हम अज्ञात भाषा सीखते हैं, और अज्ञात भाषा कौन सी हमारी टारगेट लैंग्वेज, वो इंग्लिश भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, ठीक है, और जर्मन जर्मन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंग्लिश ही सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज हो गई अब ये, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, DSSSP हो, ठीक है, NVS हो, KVS हो, ठीक है, और CTET हो, शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, TGT PGT हो, ठीक है। तो उसमें ये जो है पूरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और भी जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आप एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, और आगे पढ़ते हैं थोड़ी सी और चीज़ें, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप इसमें जबरदस्त तरीके से तैयारी करके अपने एग्जाम में जाओगे और आपके मार्क्स हमेशा अच्छे ही आएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमने समझ लिया था, क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो और भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इस मेथड का, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, GTM का एडवांटेज क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। तो तीन डिसएडवांटेज दिए गए होंगे और एक एडवांटेज, हमें छांट के बताना होगा भैया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एडवांटेज इनमें से कौन सा है। तो छांट के तो हम ये बता पाएंगे जब हमें पता होगी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एडवांटेज कौन से और डिसएडवांटेज कौन से है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, पढ़ते पढ़ सब रखा है लेकिन आप इसको इंग्लिश में सीख लीजिए। यही क्वेश्चन, यही जो पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं यही आपको दिखाई देंगे ऑप्शंस में रखे हुए, तो फैमिलियर हो जाइए, जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि जान पहचान करने से चीज़ें आसान होती है। नए अजनबी लोगों के चेहरे देख के जैसे आप सकपका जाते हो, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ऐसे ही नई अजनबी सेंटेंस वर्ड्स देखकर, ठीक है, चीज़ें देखकर आप सकपका जाओगे एग्जाम में, इसलिए फैमिलियर होते चलो, सबसे जान पहचान करते चलिए, ठीक है। तो एडवांटेज है पहला, डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग। अब इसका एडवांटेज यह है कि क्योंकि इस पे ग्रामर में बहुत जोर दिया जाता है, वोकेबुलरी बहुत अच्छे से कराई जाती है, ठीक है, नियम्स पहले बहुत सारे बता दिए जाते हैं, तो एक्यूरेसी लेवल तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग, तो इन विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग एक्यूरेसी लेवल इज हाई, तो एक्यूरेसी लेवल जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हाई होता है। इस तरीके से सारे ऑप्शंस के क्वेश्चन आप बना के अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करना सीख जाता है, कौन सी बड़ी बात है। मेथड्स हेल्प इन एनहेंसिंग द वोकैबुलरी, और जब पहले ही पार्ट शुरू होने से, लेसन शुरू होने से पहले ही रट्टा मरवा दिया जाएगा उन डिफिकल्ट वर्ड्स का जो आने वाले हैं उस चैप्टर में, तो वोकैबुलरी तो बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी, अच्छी बात है। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, और जब आपको मीनिंग याद, आपको रूल्स याद, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको सीख गए हो, फ्रेजेस का और सेंटेंस का मीनिंग निकालने सीख गए हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, और रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो कॉम्प्रीहेंशन इन क्वेश्चन आंसर छांट के बड़े अच्छे से लिख सकते हो। तो फोर्थ एडवांटेज ये होगा। फिफ्थ एडवांटेज होगा रिक्वायर मिनिमम टीचिंग एड्स। अब इसमें मिनिमम टीचिंग एड्स की जरूरत होती है, एक आपके पास किताब चाहिए, एक पेन चाहिए, एक कॉपी चाहिए, और काम पूरा हो जाएगा इंग्लिश सिखाने का। बाकी ना तो इसमें आपको ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, चार्ट्स की जरूरत पड़ी आपको, ठीक है, ना मोबाइल की जरूरत पड़ी या किसी और पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम टीचिंग एड्स की हेल्प से जो इसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है वो कौन सा मेथड होता है, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बेस्ट फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम, यानी जहां पर जैसे इंडिया में ओवर क्राउडेड क्लासरूम होते हैं, एक क्लास में 30-30, 40-40, 50-50 बच्चे होते हैं, तो ऐसी जगह पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं होती। नहीं तो अगर 30 लोग हैं उनको एक चार्ट दे दिया जाए तो कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है, एक ऑडियो विजुअल एड दे दिया जाए तो कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है ओवर क्राउडेड क्लासरूम में। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम के लिए जो बेस्ट मेथड है लैंग्वेज सिखाने का, इंग्लिश पढ़ाने का, टारगेट लैंग्वेज सिखाने का, फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का, तो वो कौन सा है, क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज को, डिसएडवांटेज में क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, एक अननेचुरल मेथड है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, अननेचुरल, ये देखिए प्रमोट्स, यानी इसका प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी। अब आप पूरी क्लास में जब आप बैठे थे आप इस बात को फील करी कि आपने 6th to 12th तक इंग्लिश पढ़ी, BME भी पढ़ोगे, MME भी पढ़ोगे, PhD तक कर लोगे, आप इंग्लिश में बोल नहीं पाओगे, लिख तो अच्छा पाओगे, समझ भी पाओगे, ठीक है, मीनिंग समझ लोगे, चैप्टर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन आंसर भी ढूंढ लोगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन भी कर लोगे उसमें, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश धेले भर की नहीं बोल पाते, आपने खुद फील किया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं या आप हिंदी बेल्ट से हैं या आप यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के एग्जाम स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इन कंपेरिजन टू
कॉन्वेंट एजुकेटेड पीपल से बहुत कम रहेगी, आप हेजिटेशन आपके दिमाग में रहेगा, आप चाहकर भी बोल नहीं पाओगे डर के मारे, ठीक है। तो आपने ये फील करा है, ठीक है, फील करा है क्या कि स्पोकन लैंग्वेज तो खत्म है, यानी इसमें जो है बोलना नहीं सीखता है, लिखना और पढ़ना सीख जाता है किसी भी दूसरी भाषा को, लेकिन बोल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, यानी कम्युनिकेटिव एबिलिटी इसमें कुछ जीरो की नेग्लेक्टेड है बिल्कुल, और स्पोकन लैंग्वेज भी नेग्लेक्टेड ही है, बोलकर कुछ नहीं बात कर सकते इस भाषा के लिए। डज नॉट एम्फेसाइज ऑन थ्री आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी जो मुख्य आस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज सीखने के, भाषा सीखने के, वो होते हैं स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, और राइटिंग यानी लिखना, ठीक है। तो जो ये मुख्य जो आस्पेक्ट्स है उन पर ये खरा नहीं उतर रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रीडिंग राइटिंग तो है ही, लेकिन स्पीकिंग का जो मेन वो होता है लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य तो अपनी बातों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही होता है ना, ठीक है। सबसे पहले तो हम बोल कर ही करते हैं, ठीक है, लिखना पढ़ना तो बच्चा भी बाद में सीखता है, ठीक है, कोई भी भाषा। तो इसका मतलब जो ये नेचुरल मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेन आस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के उनमें ये ढीला है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग में तो सही है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग में सही है, ठीक ठाक है, लेकिन स्पीकिंग में जो है वो बिल्कुल डल है, तो कम्युनिकेटिव स्किल तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए अननेचुरल मेथड है। और नेचुरल कौन सा होता है, नेचुरल अगर जो मेथड होते हैं भाषा सिखाने के, वो ये होते हैं कि बच्चा, ठीक है, बच्चा बोलने लग जाए, अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने लग जाता है, जैसा आपने देखा 2-3-7-4 साल का बच्चा वो बोलता पहले, यानी नेचुरल चीज क्या है भाषा सीखने में, मुख्य बात क्या है, बोलना आना, ठीक है, और वही इसमें कर नहीं पाते, तो ये अननेचुरल मेथड हुआ ना, तो ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स, बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो ग्रामर रूल्स पे दिया जाता है, ग्रामर 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 रूल, ये इसमें ing लगेगा, इसमें हैव बीन हैज बीन बनेगा, और इस चक्कर में पढ़ पढ़ के इंसान जो है वो फॉर्मूले सीखते रह जाता है, इतनी नीरस बना दी जाती है इंग्लिश कि अब उसका बोलने का मन ही नहीं करता है, ठीक है, वो दूर भागता है इंग्लिश से, इंग्लिश के नाम से ही डर पैदा हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन में स्किल्स अच्छे से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इस तरह के ग्रामर रूल को थोपा जाता है तो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है, लर्निंग मजेदार नहीं रहती, बुरियत भरी हो जाती है, इसलिए लोग इंग्लिश से डरते हैं, बचते हैं, ठीक है। तो ये थे एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रिंसिपल्स और किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे, बिल्कुल ऑप्शन आप बिल्कुल समझोगे चीजों को और सही ऑप्शन टिक करोगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है, आपको ये मेथड समझ में आया है, ठीक, टीचिंग मेथड मेरा टीचिंग स्टाइल आपको समझ अच्छा लगा है, तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, लंबी तो नहीं थी, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, बोरियत तो नहीं हुई, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।